पढ़ाती हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिख लेती हूँ। अभी मेरी एनवीटी से मेरी किताबें लिख रही हूँ। कुछ कविताएं आपकी इजाजत से मैं संस्कृत में चाहूंगी, कुछ हिंदी में चाहूंगी। शुरुआत करती हूँ कुमार अनुपम जी की अंतिम पंक्ति से, जहाँ उन्होंने छोड़ा था अस्तित्व। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, अछूत स्त्री, सभी युगों में मेरी दशा एक सी। मैं स्त्री हूँ, अछूत स्त्री, सभी युगों में मेरी दशा एक सी है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, क्यों ना हो। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग ही क्यों ना हो, मैं हिंदू हो जाऊं, मुस्लिम कहलाऊं, सिख, ईसाई या फिर बुद्ध, मैं हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई, सिख या बुद्ध, मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं, मैं एक स्त्री हूँ। सभी धर्मों में बैठा है मनु, सभी धर्मों में बैठा है मनु, घर हो या बाहर मैं कहीं भी नहीं हूँ। घर हो या बाहर मैं कहीं नहीं हूँ, मायके में पिता के नाम से, मायके में पिता के नाम से और ससुराल में पति के नाम से, बाहर जात से। जैसा कि अभी मैंने कहा कि मैं संस्कृत विद्यार्थी हूँ, संस्कृत की कविता आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी। एकलव्य कविता से पहले मैं एक टिप्पणी आपकी इजाजत के साथ जरूर चाहती हूँ कि हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो कुछ बिंदुओं को कहीं ना कहीं छोड़ देता है। आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो आज का जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है वो आधुनिक समय के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलना चाहता है। उन छूट गए बिंदुओं को अपने साहित्य में लेकर आने की कोशिश भर। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, अछूत स्त्री, सभी युगों में मेरी दशा एक सी। मैं स्त्री हूँ, अछूत स्त्री, सभी युगों में मेरी दशा एक सी है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, क्यों ना हो। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग ही क्यों ना हो, मैं हिंदू हो जाऊं, मुस्लिम कहलाऊं, सिख, ईसाई या फिर बुद्ध, मैं हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई, सिख या बुद्ध, मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं, मैं एक स्त्री हूँ। सभी धर्मों में बैठा है मनु, सभी धर्मों में बैठा है मनु, घर हो या बाहर मैं कहीं भी नहीं हूँ। घर हो या बाहर मैं कहीं नहीं हूँ, मायके में पिता के नाम से, मायके में पिता के नाम से और ससुराल में पति के नाम से, बाहर जात से। जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं संस्कृत विद्यार्थी हूँ, संस्कृत की कविता आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी। एकलव्य कविता से पहले मैं एक टिप्पणी आपकी इजाजत के साथ जरूर चाहती हूँ कि हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो कुछ बिंदुओं को कहीं ना कहीं छोड़ देता है। आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो आज का जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है वो आधुनिक समय के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलना चाहता है। उन छूट गए बिंदुओं को अपने साहित्य में लेकर आने की कोशिश भरपूर है। इसी कोशिश का नतीजा है कि आज का जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है वो महिलाओं के प्रश्न हों, SC ST OBC के प्रश्न हों, या जो वो जमात जिसका संस्कृत साहित्य में उस तरीके से उल्लेख नहीं आया, संदर्भों को छोड़ा दिया जाए अगर, तो उसी की एक कड़ी में एक मेरा छोटा सा प्रयास है। क्योंकि मेरी जो अपनी जो एक मेरी जो मास्टरी है एक तरह से संस्कृत में ही है, इसके बावजूद भी मैं कह सकती हूँ कि कोई हो सकता है कुछ मेरा आंचलिक शब्दों का या फिर अक्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो, शायद उस तरीके से आप तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। कविता का शीर्षक है एकलव्य। हमारे जो विद्यार्थी जो संस्कृत नहीं जानते
और जो श्रोता है यहाँ उनको भी ये बताना चाहती हूँ कविता का वाचन करने से पहले कि जो एक मैरिट की बात आती है, हमारा ये मानना है कि आप एक लाइन बराबर की खींच के देख लीजिए, फिर हम मैरिट पे बात कर लेंगे, पीछे नहीं है। उसी मैरिट पर आधारित जहाँ हम चर्चा करते हैं उसी का शीर्षक से एक कविता है, एकलव्य। एकलव्य एकांकी नासित्व, एकलव्य एकांकी नासित्व न चरिक्तम तदीयम पूर्णिमापि तव शरीर प्रतिविद्धा चित करोति संस्कृति सभ्यम अन्न जनः अंतम याति परिवर्तते इतिहास विलुनीता वारिवर्ति संस्कृति परिवर्तते इतिहास विलुनीता वीरवर्ति संस्कृति वंचनम भाग्य देयम इति प्राप्त वंचनम भाग्य देयम इति प्राप्तम त्व गुरुजे तया स्वानी भाग्यानि परिवर्तानि प्रमाणयन्ति इमे वृक्षः पाद पाश तथैव च प्रमाणयन्ति इमे वृक्षः पाद पाश तथैव ते शाखा प्रशाखा प्रणा प्रपणा शाखा प्रशाखा प्रणा प्रणा त्वतिक्षणैः सरैनिपातिता भग्नः प्रमाणीकृता त्वया स्वप्रतिभा प्रमाणीकृता त्वया स्वप्रतिभा इदानीं जायते तव नव अवतारः इदानीं जायते तव नव अवतारः अतीतः सहस्रबद्धः अतीतः सहस्रबद्धः प्रमाणीकृष्यन्ति कथमिदं यत् अवश्यमेव लभते जन्तु कथमिदं यद् अवश्यमेव लभते जन्तु स्वकृतस्य कर्मणः फलम् स्वकृतस्य कर्मणः फलम् तेन कृतं प्रत्येकम् अन्यायः तेन कृतं प्रत्येकम् अन्यः तमेव प्रतिहन्त। ये कविता थी एकलव्य। अगली मेरी कविता